जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आ सकते हैं क्या, पक्का आने के पूरे पूरे चांस हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डिनल पॉइंट्स एंड टाइप ऑफ नॉर्थ। हिंदी में करवाऊंगा मैं ये, इसका क्या मतलब होता है, कार्डिनल अंक, कार्डिनल पॉइंट, मुख्य बिंदु इनको कह देते हैं, या फिर उत्तर के प्रकार के टाइप ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, इस चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे इस वीडियो में। इस तरह की और वीडियो भी मैंने चैनल पर बना रखी है, वे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आप अपने एग्जाम को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये मुख्य बिंदु जो लिखा है ना, ये कार्डिनल पॉइंट की ही यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को कार्डिनल पॉइंट कहा जाता है। एग्जाम में ये आ जाएगा कि कार्डिनल पॉइंट कितने टाइप के होते हैं, हमको पता नहीं होता कि कार्डिनल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। कार्डिनल पॉइंट कुछ और नहीं होते, कार्डिनल पॉइंट हम डायरेक्शन को ही कहते हैं। आपको पता होगा ये हमारी डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट, और ये जो सी इसके अपोजिट में होगी ये वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये चार जो होते हैं ना, ये मेन कार्डिनल पॉइंट होते हैं, या फिर इनको मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, यदि उत्तरी बिंदु को 0 डिग्री के रूप में लिया जाता है, इसको अगर 0 डिग्री लेंगे तो आपको पता है हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ये कितने पे हो गया, ये हो गया 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। ये कितने पे हो गया, साउथ वाला, साउथ वाला हो गया 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और अगर हम वेस्ट पे जाएंगे तो वेस्ट कितने पे हो गया, 180 में 90 और जोड़ दो 270 डिग्री पे हो गया, ठीक है। और अगर पूरा चक्कर लगा के हम दोबारा वहां पे आ जाते हैं तो नॉर्थ दोबारा कितने डिग्री पे आ जाएगा, 360 डिग्री पे आ जाएगा। ये आपको पता होगा कि एक कंप्लीट सर्कल 360 यानी कि 360 डिग्री का होता है। तो यही बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। फिर क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं कि कार्डिनल पॉइंट तो मेन चार होते हैं, उसके भी अगर पार्ट की, इंटरमीडिएट की बात करें, बीच वाले कार्डिनल पॉइंट की बात करें, तो कई बार ऐसे करते हैं, इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। अगर ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये भी एक डायरेक्शन होती है जो कि नॉर्थ से कितने डिग्री पे हुई, अगर ये पूरा 90 डिग्री पे है तो नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे हो गया, ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, और नेक्स्ट वाला क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये भी डायरेक्शन होती हैं, ये भी कार्डिनल पॉइंट होते हैं। अगर ज़्यादा के नाम पूछे जाते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर और ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप इसको एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट का ये कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से आप लिख दोगे, इनमें एंगल पूछेंगे तो वो भी आप लिख दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार इसको हटा देते हैं हम, और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आज की क्लास का, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब बात कर रहे हैं कि नॉर्थ, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि टाइप ऑफ नॉर्थ हम किसको कहते हैं। नॉर्थ जो होते हैं ना, एक तो ट्रू नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ मतलब रियल जो नॉर्थ होता है, जो हम प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उससे जो नॉर्थ की डायरेक्शन होती है, हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं, मेन जो नॉर्थ होता है, जो हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे उसी को नॉर्थ कहते हैं, वो ट्रू नॉर्थ होता है। लेकिन एक मैग्नेटिक नॉर्थ भी होता है, अगर आप साइंस से हैं या नहीं भी हैं, अगर आप चुंबक को लटकाते हैं ऐसे ही फ्रीली, तो वो ना बिल्कुल नॉर्थ में नहीं जाएगी, वो नॉर्थ से थोड़ा अलग होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ वो होता है जिस डायरेक्शन के अंदर चुंबक लटकती है, वह बिंदु जिसके लिए एक मैग्नेटिक सुई बिंदु जब स्वतंत्र रूप से निलंबित किया जाता है, कोई भी चुंबक लटका लो या जो सा नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, वो जिस डायरेक्शन को दिखाती है ना, वो बिल्कुल नॉर्थ नहीं होती, वो नॉर्थ से थोड़ा सा अलग होती है। तो वो वाला जो नॉर्थ होता है ना, उसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहा जाता है। और तीसरे वाला है ग्रिड नॉर्थ। ग्रिड नॉर्थ वह दिशा होती है जो एक मानचित्र बिंदु पर उत्तर दक्षिण ग्रिड को, रेखाएं जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, उसको ग्रिड नॉर्थ कहते हैं। तो आ जाए कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ट्रू नॉर्थ होता है, दूसरा चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और तीसरा ग्रिड नॉर्थ होता है। ट्रू नॉर्थ तो रियल वाला नॉर्थ होता है, चुंबकीय उत्तर यानी कि ये मैग्नेटिक वाला उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, और ग्रिड नॉर्थ जो सा कि मानचित्र के ऊपर जो ग्रिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उत्तर बिंदुओं के बीच कोण, तीन उत्तर के बीच कोण निम्न अनुसार है।
देखो मैं बताता हूँ, इसमें ये है ना, डेफिनेशन पूछी जाती है कि मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है, ग्रिड कन्वर्जेंस क्या होता है और ग्रिड मैग्नेटिक एंगल क्या होता है। ठीक है, हिंदी में चुंबकीय विकृति बोल सकते हैं, ग्रिड कन्वर्जेंस बोल सकते हैं और ग्रिड चुंबकीय कोण बन सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कि नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक ट्रू नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और तीसरा कौन सा होता है, ग्रिड नॉर्थ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक वेरिएशन की बात करें, ये एंगल की बात हो रही है कि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में, यानी कि एक ट्रू वाले नॉर्थ के बीच में और किसी के बीच में कौन सा एंगल बनता है उसकी बात हो रही है। अगर मैग्नेटिक वेरिएशन की बात करें तो इसमें मेन वर्ड क्या आ रहा है, मैग्नेटिक वर्ड आ रहा है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ का ट्रू नॉर्थ के साथ में जो एंगल बनता है ना, जो कोण बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। मैं पिक्चर से भी इस चीज को दिखाऊंगा। मैग्नेटिक वर्ल्ड में ना यहाँ पे, तो ट्रू नॉर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ जो वेरिएशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। दूसरा, ग्रिड कन्वर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे ग्रिड मेन है, तो इसका मतलब ग्रिड नॉर्थ का ट्रू नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है ना, कोण बनता है जो, उसको ग्रिड कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, ग्रिड मैग्नेटिक। इसमें ग्रिड भी दे रखा है और मैग्नेटिक भी दे रखा है, तो दोनों मेन है। इसका मतलब ग्रिड वाले नॉर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ में जो एंगल बनता है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, ग्रिड मैग्नेटिक नॉर्थ कह देते हैं। बिल्कुल आसान है ये करने। देखो ट्रू नॉर्थ तो रहेगा ही रहेगा, तो अगर मैग्नेटिक नॉर्थ की बात हो रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ का ट्रू नॉर्थ के साथ बनता है, तो वो हो गया। ग्रिड वाले में ग्रिड का ट्रू के साथ, और ग्रिड और मैग्नेटिक दोनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब ग्रिड का मैग्नेटिक के साथ जो एंगल बनता है ना, उसको हम ग्रिड मैग्नेटिक एंगल कहते हैं, ग्रिड चुंबकीय कोण कहते हैं। मैं एक पिक्चर से भी इस चीज को दिखा देता हूं आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसा सा दिखाई देगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये तो ट्रू नॉर्थ है जो रियल नॉर्थ होता है, और जो चुंबक को लटकाते हैं वो थोड़ा सा टिल्ट होती है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। तो इनके बीच में ये एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, ये कितने भी डिग्री का हो सकता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि ऐसे कैसे आते हैं एग्जाम में आपके, कि कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं। कार्डिनल पॉइंट हम डायरेक्शन को ही कहते हैं। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ग्रिड नॉर्थ होता है, फिर उनके बीच में वेरिएशन क्या क्या होती है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।